हेलो इंजीनियर्स, दिस इज सति। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया गैजेट जो होगा जब वेल्डिंग करता है। वेल्डिंग करने के बाद जब भी सामने एक ग्लास होते हैं वेल्डिंग करने के लिए आंखों के सेफ्टी के लिए, वो ग्लास को बार बार बंद करना पड़ता है और बार बार ओपन करना पड़ता है। तो ये बहुत ही एक दिक्कत सा बात है। तो जब भी वेल्डिंग करेगा तो कोई बंदा वेल्डिंग करने के बाद इसको ऐसे बंद करेगा, उसके बाद वेल्डिंग करेगा, उसके बाद फिर से इसको ओपन करना पड़ेगा। इस तरह करने पर टाइम भी लॉस होता है और ये जो काम करता है वो किसी टाइम पे वो लगाता भी नहीं है, डायरेक्ट कर लेता है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन मैं लाया हूँ। जब भी वेल्डिंग करेगा तो स्किन के टच के जरिए ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो ये जो गैजेट है ये बहुत ही बढ़िया से काम करते हैं और वेल्डिंग जो करते हैं वेल्डिंग मिस्त्री के लिए बहुत ही अच्छा एक गैजेट होगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये जो गैजेट है इसको हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये वीडियो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय माउजर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कंपोनेंट बहुत ही कम रेट पे और अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। किसी भी कंपोनेंट को आप सर्च करने के लिए यहाँ पे मैनुअल सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप पार्ट नंबर और कीवर्ड डाल के बहुत ही आसानी से आप इसका सर्च कर सकते हैं। किसी भी पार्ट नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा और ये आपको ऑर्डर करने का 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट है mauser.in। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो अभी जो आपने प्रोजेक्ट देखा है उस प्रोजेक्ट को एक्चुअली में काम कैसे करता है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का एक डेमो बनाया है। यहाँ पे सर्वो लगा दिया है, सर्वो को कंट्रोल कर रहे हैं ये माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे एक पुश बटन आप देख रहे हैं, पुश बटन के बदले हम लोग ने इस पर क्या किया है एक ट्रांजिस्टर लगा दिया है। ट्रांजिस्टर पे जो इनपुट है इनपुट को मैंने पॉजिटिव से कनेक्शन किया है, मतलब जब भी टच होगा इनपुट और पॉजिटिव तो स्क्रीन के जरिए ये ट्रांसफर होगा, होने के बाद ये काम करेगा। तो अभी आपको पुश बटन से ही आपको दिखा देते हैं जो डेमो है। तो अभी देखिए पुश बटन जब भी दबाएंगे तो ये सर्वो एंगल इसमें मूविंग हुआ है। आप किसी भी एंगल को आप प्रोग्रामिंग पे डाल सकते हैं। तो मैंने 90 डिग्री एक्चुअल में अभी डाल दिया है। तो ये 90 डिग्री में ये मूविंग हो रहा है। तो ये एक्चुअली में इस तरह ही काम करते हैं। तो मैंने इस पुश बटन को छोड़ के मैंने ट्रांजिस्टर के जरिए टच किया है, बस यही इसका डिफरेंस है। और आपको सर्किट डायग्राम जो है वो आपको मिल जाएगा, वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्रोग्रामिंग के साथ। तो अभी चलिए पूरा का पूरा जो सर्किट है उसको बना के हम लोग टेस्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो चश्मा मैंने लिया है तो ये एक वेल्डिंग चश्मा है। तो इसको हम लोग लगाया इस पर, देखिए क्लैंप के जरिए हमने लगा दिया है एक सर्वो पे, जो कि सर्वो ये अप एंड डाउन करके इसका जो कवर है इसको अप एंड डाउन करेगा। और इसका जो कनेक्शन है हमने किया है और नीचे की तरफ दो सेंसर लगा दिया है, सेंसर नहीं है एक्चुअली दो वायर है, दोनों वायर को एक वायर पे पॉजिटिव देंगे और दूसरे पे जो प्रोग्रामिंग का जो इनपुट होगा वो दे देंगे। तो जब भी पॉजिटिव वायर इनपुट पे आएगा तो तब भी इस वायर पे कनेक्शन आएगा, आने के बाद ये काम करेगा। तो अभी चलिए इसका जो सर्किट है सर्किट को हम लोग बनाते हैं, उसके बाद सर्किट पर प्रोग्रामिंग अपलोड करके इसको टेस्ट करेंगे। देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक सर्वो लगाया है
और इस तरफ एक छोटा सा किट, मतलब एक ही माइक्रोकंट्रोलर लगाया हमने जो कि 1885 है, और एक ट्रांजिस्टर लगाया है, छोटा एक ट्रांजिस्टर है। सिर्फ ये दो चीज से ही इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। 1885 पे जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, उसको आप अपलोड कर देना है। और 1885 पर किस प्रकार से अपलोड करते हैं अगर वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो। और यहाँ पे मैंने एक लिथियम बैटरी लगाया है 3.7 वोल्ट का, तो इसके जरिए ये काम करता है। और सर्वो का कनेक्शन हमने इस पे कर दिया है, और ट्रांजिस्टर के जरिए जो कनेक्शन होगा उसको हमने लगाया है यहाँ पे टच के जरिए, ठीक है। यहाँ पे जो टच होगा स्क्रीन पे जो टच होगा वो टच इसके जरिए मैंने कनेक्शन किया है। जब भी टच होगा और टच के जरिए पॉजिटिव 5 वोल्ट एक साथ कनेक्शन हो जाएगा, होने के बाद ये काम करेगा। ये एक पुश बटन के जरिए काम करते हैं, मतलब एक पुश बटन दबाएंगे, दबाने के बाद सर्वो जो मूविंग करता है उसी पुश बटन को छोड़ के मैंने पुश बटन के कनेक्शन को टच पे बदल दिया है। सिर्फ यही मैंने इसको कनेक्शन किया है। करने के बाद इसको हम लोग अभी टेस्ट करेंगे, तो चलिए टेस्ट करके हम लोग देखते हैं। तो अभी देखिए, अभी इसको टेस्ट करेंगे, तो जब भी मेरा मुंह जो है वो जब भी ऊपर की तरफ आएगा तो इस पर जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो दो पिन है वो पिन पे टच होगा, होने के बाद ये सर्वो एक्टिव हो जाएगा, होने के बाद ये काम करेगा, बहुत ही अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कि 1885 जो माइक्रोकंट्रोलर लगाया है जो कि बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो अभी देखिए, मैं अभी इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह ये काम करते हैं, जब भी वेल्डिंग करेगा जो बंदा वेल्डिंग करेगा तो सिर्फ इसको टच करना होगा स्क्रीन के जरिए, इसको टच करने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, हाथ से बंद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, तो इस तरह आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक गैजेट है। तो देखा आपने किस प्रकार से एक आसानी से वेल्डिंग मशीन का जो ग्लास है इसको हम लोग ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।